चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे प्यूटरी के और <coughs> मैंने आपको एंटीरियर प्य के सारे हार्मोन पढ़ा दिए छह हार्मोन कौन कौन बताओ ज्योति मैंने एंटीर प्यूटरी के छह हार्मोन पढ़ा दिए हैं बस हार्मोन का नाम बता दो तुम तो, मान जाएंगे हम सिक्वेंस में जल्दी जल्दी बताओ फटाफट हाँ बताओ ज्योति <coughs> और ज्योति चलो ज्योति को सोने दो रिभा बताओ रिभा ग्रोथ हार्मोन हम्म ग्रोथ हार्मोन टीएसएच uh, टीएसएच एसीटीएच ACTH Pro prolactin MSH MSH are uh, gonadotropin hormone GnRH दो type iska FSH FSH or LH तो ये 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 सब तुम्हारा फंडा क्लियर है ना रिप्रोडक्शन में बहुत आसान हो जाएगा चीजें बहुत आसान हो जाएगी ये रिप्रोडक्शन में आएगा ये रिप्रोडक्शन में आएगा ना चीजें बहुत आसान हो जाएगी रिप्रोडक्शन में ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ज्योति में सो रही है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पता चला सो तो गई है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है चलिए मैंने आपको बोला था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने अपना कोई हार्मोन बनाया तो नहीं है कोई हार्मोन नहीं बनाया नर्वस पार्ट है ये तो बस एक तरीके से हाइपोथैलेमस का ही नीचे बल्ज आउट पार्ट है एक्सटेंशन ये अपना कोई भी हार्मोन बनाता नहीं है ये दो हाइपोथेलमस हार्मोन को स्टोर करता है और जब बोलता है रिलीज रिलीज करने तब ये रिलीज भी कर देता है ठीक है तो वो दो हार्मोन का नाम एक का नाम तो मैंने पहले ही बताया आपको दोनों का नाम बताया हालांकि ए डी और एक का नाम ऑक्सीटोसिन तो नाम तो आपको पहले से पता है बस आज उनके काम भी मैं आपको बता दूंगा ठीक है चलिए ऑक्सीटोसिन बड़ा शॉर्ट सा है अभी बता दूंगा पहले एडीएस को लेते हैं थोड़ा डिटेल में ठीक है वैसे देखो ये एडीएच वाला जो बात है ना ये एक्सप्रेटर में भी आएगा ठीक है लेकिन मैं यहीं पे अच्छे से समझा देता हूँ ताकि एक्सप्रेटर सिस्टम में क्या करूँ मैं शॉर्ट में भागूं वहाँ पे ठीक है ए डी एच शॉर्ट फॉर्म है फुल फॉर्म क्या है इसका एंटी डायुरेटिक डायुरेटिक हार्मोन समझते चलना ध्यान से एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन इसी का एक और नाम है इसी का एक और नाम है वेसोप्रेसिन यहां पे लगता है एक ऐसे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया ठीक हटा देना चलिए अब देखो इसका अगर दो नाम है तो दोनों नाम के काम को एक्सप्लेन करना है ठीक है चलिए मैं दोनों नाम के काम को एक्सप्लेन करता हूँ उससे पहले मैं आपके सामने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ एक वर्ड होता है इस वर्ड का क्या मतलब है कोई जानता है क्या क्लास में अभी डायरेसिस का क्या मतलब है वीन बाय वर्डिस को बताओ तो ये कॉमन वर्ड है यूरिन मतलब में आप जानते हैं बहुत कुछ होता है बहुत कुछ पढ़ाएंगे यूरिनट सिस्टम में यूरिन में बहुत कुछ होता है कचरा उतरा सब होता है और उसी में पानी भी होता है ठीक है तो पानी का यूरिन के साथ निकलना दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पता है एक लिमिट में हमारे बॉडी से अगर वाटर उस एक्सर प्रोडक्ट को लेकर निकल रहा है तब तो सही है क्योंकि तो वाटर में वॉटर प्रोडक्ट यूरिन के साथ निकल जाएगा लेकिन अगर एक्सेस निकले क्या बोल रहा यूरिन तब उस वर्ड को अच्छे से बोलते हैं हम लोग डायूरेसिस तो डायूरिस का मतलब क्या है देखो, रिलीज ऑफ वाटर हो जाएगा एक्सेस रिलीज ऑफ यूरिन दैट इज लिए अच्छा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. पता है क्यों? एक बार पता है? Water हमारे में मेटाबॉलिक रिएक्शन का मीडियम है इसी में रिएक्शन चलता है और अगर ये ज्यादा लॉस होने लगेगा हमारे बॉडी से तब तो क्या मतलब है भाई तब तो रिएक्शन ही नहीं, नहीं चलेगा इसका मतलब डायूरेसिस अगर किसी को हो रहा है तो जाहिर से बात है वो अच्छी बात नहीं है और डायरेसिस हो रहा है तो विल उड ला मतलब कि ये की बदले क्या हो जाएगा डायरेसिस के, के बाद डिहाइड्रेशन okay. मतलब ज्यादा वाटर निकल जाएगा तो बॉडी हो जाएगा डिहाइड्रेटेड मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा डिहाइड्रेशन का मतलब क्या बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी मुझे बताइए बॉडी में जो वाटर है वो कहां था ब्लड का कंपोनेंट का था ब्लड में कंपोनेंट था वाटर तो वही तो वाटर यूरिन के साथ निकल गया क्योंकि ब्लड के जो छाने से यूरिन बनता है

मान लो पूरे बॉडी में जो पाइप है उन सब में मिला के ब्लड बह रहा है साढ़े पांच लीटर के आसपास ठीक है साढ़े पांच लीटर के आसपास तो ये अभी नॉर्मल प्रेशर है इसमें जो फ्लूड है वो इस ब्लड वेसल्स के दीवारों पर प्रेशर लगा रहा है बहते साइड ठीक है तो अभी नॉर्मल बीपी है ठीक है बीपी बताएंगे क्या होता आ, उस चैप्टर में सर्कुलेटरी में ये अभी नॉर्मल बीपी है ठीक है लेकिन अगर कल को इस ब्लड से वाटर का रिमूवल हो गया ज्यादा यूरिन के थ्रू तो ब्लड घट के हो गया साढ़े चार लीटर तो अब क्या होगा इसमें कम फ्लूड बह रहा है तो जाहिर सी बात है कम प्रेशर लगेगा दीवाल पे तो क्या हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम घटा तो क्योंकि वाटर लॉस हो गया तो ब्लड वॉल्यूम घटे से बीपी भी क्या हो जाएगा घट जाएगा तो कॉमन सेंस है यहाँ पे कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला मत लगा देना के टी जी का तो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्सली रिलेशन पता नहीं क्या क्या निकालते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो मत लगा देना यहाँ पे वहाँ कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चलता है ठीक है यहाँ आने तो पता चला ज्योति बोलेगी सर फिजिक्स वाले सर तो पढ़ाए हैं प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सर का रिलेशन होता है अरे भाई वो वाला रिलेशन नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम 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 गैस वाला नहीं है है लिक्विड का पहली बात और वो वॉल्यूम इस दीवार पर प्रेशर लगा रहा है तो जितना ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना प्रेशर होगा जितना कम वॉल्यूम होगा उतना कम प्रेशर होगा ठीक है तो मैंने कहा कि अगर डायरेसिस हो रहा है किसी को तो एक्सेस वाटर का रिमूवल हो रहा है तो बॉडी क्या हो गया है डिहाइड्रेशन में चला गया ठीक है अब बॉडी अगर डिहाइड्रेशन में चला गया है तो क्या आप चाहोगे कि बॉडी ज्यादा देर तक डिहाइड्रेशन कंडीशन में रहे नहीं चाहोगे नहीं चाहोगे तो आप क्या चाहोगे कि डिहाइड्रेशन को कैसे भी रोका जाए तो डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हुआ है? -उरेसिस से हुआ है है की वजह से तो आप क्या चाहते हो कि -उरेसिस के अगेंस्ट कोई भी चीज आ जाए और वो कौन है वह है हार्मोन वह हार्मोन जो डायरेसिस के अगेंस्ट है एंटी डायरेटिक हारमोन मतलब तो आप समझ चुके हैं कि एडीएच बॉडी में कब आएगा बताओ

सब लोग सोच के अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हमने वाटर का रिमूवल कर दिया सॉल्वेंट का रिमूवल कर दिया तो कंपेरेटिवली सोल्यूट का एडिशन हो गया और क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इनक्रीजेड ब्लड ज्यादा गहरा हो जाएगा पता है नॉर्मली नॉर्मली ब्लड का जो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन होता है वो होता है थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर कितना थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर ठीक है अगर इससे वाटर का रिमूवल हो गया है डिहाइड्रेशन की वजह से तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 300 से ज्यादा हो जाएगा दैट इज मोर देन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो चुका है और इस बात को अभी क्या हुआ है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बढ़ गया ठीक है अब जब अब जब यह ब्लड पहुंचेगा ब्रेन में और ब्रेन के पास जब यह ब्लड पहुंचेगा हाइपोथैलेमस के पास तो हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं जो ब्लड के ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को पहचान सकता है क्या होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं उसको सिखाया गया है कि अगर ब्लड का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन तीन हो तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर तीन से ज्यादा और कम हो तब गड़बड़ है तो बताओ इस टाइम क्या तीन सौ से ज्यादा है या कम है तीन सौ से ज्यादा है तो ये गड़बड़ है कि नहीं है तो ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस गेट एक्टिवेटेड क्या हो गया ये एक्टिवेट हो गया कहे एक्टिवेट हो गया

सेंटर है ना में, तो थर्स सेंटर को एक्टिवेट कर देगा तो मोर तो ड्रिंक करोगे आप दारू नहीं पियोगे पानी पियोगे ठीक है मोर ड्रिंक करोगे आप ठीक है पानी पियोगे आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे होल्ड एक तो ये सोल्यूशन दूसरा एक और काम करेगा ये, ये क्या करेगा हाइपोथैलेमस ने पहचाना है रिसेप्टर ने वो क्या करेगा अपने जो जो न्यूरॉन जो न्यूरॉन बना रहे हैं एडीएच उसको बोलेगा कि अब तुम हो जाओ क्या डीपोलराइज और बनाओ एक्शन पोटेंशियल और ये एक्शन पोटेंशियल भेज दो पोस्टीरियर के अंदर जहां में स्टोर है एडीएच तो कुल मिला के एडियस का रिलीज हो जाएगा पोस्टीरियर पिटरी से तो एडियस का सिक्रीशन एडीएस का सिक्रीशन बढ़वा देगा कौन ये हाइपोथेलमस कैसे डीपोलराइज कर लेगा अपने न्यूरॉन को और से क्या रिलीज हो जाएगा एडीएच

बस इतना जान लो कि किडनी के नेफ्रॉन का कोई पार्ट होता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वहां पर एडीएच के रिसेप्टर लगे होते हैं तो ये एडीएच वहां पहुंच जाएगा और एडीएस उस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और अब वहां पे एडीएस क्या करेगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि उसमें से वाटर इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब <coughs> 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 उसका क्या कर देगा बढ़ा देगा ठीक है तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या होने लगेगी रिजॉर्ब अब मुझे बताइए ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होकर जाने लगेगी ब्लड में तो मुझे बताइए अब ब्लड का वाटर बढ़ने लगा है इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ रहा है लेकिन वाटर बढ़ रहा है देखो यहाँ से आदमी पानी पी भी रहा है तो प्रॉब्लम क्या था ब्लड वॉल्यूम घटा था यही प्रॉब्लम था ना यही प्रॉब्लम था ना बताओ आदमी पानी पी भी रहा है और जो पानी पी रहा है उसमें से ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करा लेना ये काम किसका एडीएच का ठीक है ये काम किसका एडीएच का क्या होगा फाइनली बताओ ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन जो गिरा है क्या वो ऑसमोटिक पहले तो क्या होगा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा इंक्रीज अप टू नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा बढ़ के नॉर्मल तक बढ़ेगा ठीक है अप टू नॉर्मल क्यों बोला अभी समझाऊंगा इसके अलावा बीपी भी बढ़ जाएगा अप टू नॉर्मल इसके साथ ही क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन

और ने पूरा मोर्चा संभाल लिया बताओ पूरी स्टोरी आपको समझ में आई ये पूरी स्टोरी में, में, में कुछ आ रहा है। आप पढ़ लेना में कुछ बातें मैंने ऐड करी है वो मैं भी ग्रुप में फोटो भी भेज दूंगा ठीक है हा? हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ एंटी डायोबेटिक हार्मोन एंटी है किसके लिए तो लिए बॉडी में डायरेसिस हो रहा है वाटर का रिमूवल हो रहा है वाटर ब्लड का मेन कंपोनेंट है

थर्ड सेंटर भी डिएक्टिवेट हो जाता है और एडीएच का सेक्रेशन रुक जाता है इस तरीके से डायोरेसिस पे कंट्रोल हो जाता है एडीएच के द्वारा तो बोलो एडीएच को एडीएच क्यों बोला सभी लोग को समझ में आया अभिषेक यस सर अतीक यस सर ज्योति यस सर रीवा यस सर चलिए अब बात करते हैं जो लोग होते हैं ड्रिंकर्स पियक्कर वो वो वाला नहीं पियक्कर जो कभी के दाल पी रहे वो पियक्कर नहीं होता है वो तो कभी के दाल ओकेजनली ले रहा है कुछ लोग होते हैं जो दिन रात दारुए पीते हैं सुबह उठेंगे तो दारू से कुल्ला करेंगे फिर टॉयलेट भी जाएंगे दारुए लेके नहाएंगे दारू में फिर डिनर में लंच में सुबह ब्रेकफास्ट में दारू लंच में दारू रात को डिनर में दारू फिर दारू के ही चैंबर में सो जाएंगे मतलब उनको चौबीस घंटा दारू ही दारू चाहिए ठीक है तो ऐसे जो लोग उसको बोलते हैं हिंदी में गांव वाले भाषा में क्या बोलते हैं पियक्कर है ना गांव वगैरह बोलते हैं पियक्कर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको ड्रिंकर्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको ड्रिंकर्स ठीक है या अल्कोहलिक बोलते हैं उसको अल्कोहलिक शराबी शराबी ठीक है और गांव की भाषा में क्या बोलोगे पियक्कर ठीक है तो उस पियक्कर की कुछ बात कर लेते हैं ठीक है अब देखो उस कर के अंदर क्या हो गया इसे चला चला गया पीने चला गया पीने क्या कैमरा बंद कर दिया no, गया अल्कोहलिकोहलिक अच्छा, अच्छा, सुन, सुन हाँ. तो अल्कोहलिक ठीक है शराबी उसके अंदर क्या होता है एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं ड्रिंकर्स डिजीज ड्रिंकर्स डिजीज ये तो आम भाषा हुआ ड्रंक का इसका आखिर बायोलॉजी में क्या नाम दिया गया इस डिजीज का तो इस डिजीज का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस इंसिपिडस ये पियकर लोगों में देखने को मिलता है सुनना क्या होता है कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जैसे अल्कोहल टी कॉफी अल्कोहल टी कॉफी एटसेट्रा इन सबको ले लो स ना एंटी ये सबस्टांस एंटी बेटा समझ रहे हो एंटी अगेंस्ट है और यह सबस्टांस एडीएच के एंटी है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह सबस्टांस डायरेटिक सबस्टांस है यस yes और नो no? डायरेटिक सबस्टांस है मतलब ये डायरेसिस को प्रमोट करने वाला है पता है अल्कोहल है टी है कॉफी है ये सब क्या करता है एडीएच के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है और अगर सप्रेस नहीं कर पाया ना तो ये अल्कोहल टी और कॉफी एडीएच के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करके उसके रिसेप्टर को छेक के बैठ जाता है नहीं तो उसकी सिक्रीशन को ही रोक देता है पोस्टेट से ये दो काम करता है ज्यादातर में सिक्रीशन को रोक देता है और नहीं रोक पाया तो एडीएच के रिसेप्टर पर जाके बैठ जाता है बोलता है बैठने नहीं देंगे तुमको तो एडीएस का एक्शन रुक जाता है अब बताओ अगर एडीएस का एक्शन रुक गया तो उस किडनी से जो यूरिन निकल रहा है उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का कराना किसका काम काम था था ये तो काम का था। अब तो का अब एडीएस कर नहीं पा रहा या और अगर सिक्रिट हो जा रहा तो एक्ट नहीं कर पा रहा अपने रिसेप्टर पे किसकी वजह से अल्कोहल टी कॉफी तो उस केस में क्या होगा वाटर यूरिन के साथ निकलते चला जाएगा तो अगर आप आज कभी कदा अगर अल्कोहल ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है एक दिन ये समस्या आएगी ठीक है यूरिन ज्यादा निकलेगा आप गौर करना जब आप चाय पीते हो और चाय पीने के जस्ट पहले अगर आपने खूब सारा पानी पी रखा है फिर आपने चाय पी लिया या चाय पीने के बाद आपने पानी पी लिया तो गौर करना बार बार जाते हो पाँच मिनट पाँच मिनट पाँच मिनट पूरी क्लास निकाल देते हो पाँच मिनट में मैं समझ रहा था लड़का चाय पी के आया है और उसके बाद पानी पी लिया है अब चाय पी के आया तो चाय तो चला गया अंदर कैफीन अब पानी पी लिया अब वो पानी क्या हो रहा है

या तो चाय पियो ही मत अगर तुम्हें प्यास लगने की आदत है तो चाय कॉफी पियो ही मत और अगर पी लियो तो पानी की सियाल नंबर पीना ले तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम्पल में क्यों भाई ये सब एडीएस का सिक्रशन घटा देता है और एडीएस नहीं रहेगा तो वाटर को बॉडी में रिओब्जोर्व करता था कौन एडीएस तो वो रिओब्जॉर्ब नहीं होगा और डायब्रेसिस प्रमोट कर देगा चलो अब जो पर्सन कभी कदल अल्कोहल ले लिया आज ले लिया ओकेजनली तो कोई बात नहीं है आज थोड़ा बहुत सूसू लगेगा बार 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 अब जो आर्मी पियक्कर है वो तो डेली यही काम करता है मैंने कहा ना उसको सुबह के नाश्ते में दारू चाहिए दोपहर में दारू चाहिए रात को दारू चाहिए दारू में सोएगा दारू में उठेगा सब कुछ दारू में है उसका जिंदगी चल रहा है तो वो पर्सन परमानेंटली अपने एडीएस का सेक्रेशन को हमेशा के लिए कम करके रखा हुआ है चौबीस घंटे और उसकी आज की एक दिन की एक कहानी नहीं है उसकी ये कहानी कई सालों से चल रही है कई महीनों से ये नौटंकी चल रही है अब अगर कई महीनों से ये नौटंकी चल रही है आप, आप लोग के ग्रुप में भी कोई ऐसा होगा दिल जला टाइप का है ना जो दिन भर हमारे ग्रुप में भी ऐसा बहुत सारा जो दिन भर दारू पी रहा है दिन बर, दिन भर भर टल्ली रहता है तो उसका क्या हाल है वो कब कर देता है उसको भी नहीं पता है ठीक है इज्जत जा रहा है सो अलग बॉडी जा रहा है सो अलग तो ऐसे पर्सन के अंदर होता क्या मैं आपको यह बताने वाला हूँ जो पर्सन लगातार डेली दारू पी रहा है हाई अमाउंट में

ब्लड की ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा हाइपरटेंशन हो जाएगा अरे रुको ब्लड की मतलब बीपी घट घट गई है ना तो उसको क्या हो जाएगा हाइपोटेंशन हो जाएगा बीपी घट जाएगा बीपी क्या हो जाएगा घट जाएगा ये हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन में आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम से बीपी घट जाएगा अब वो पर्सन एकदम सुस्त रहेगा कुछ कुछ बोलते रहेगा वो तो अलग बात है लेकिन देखो डायबेसिस ज्यादा हो रहा है पॉलीडिप्स ज्यादा ज्यादा हो रहा है हाइपोटेंशन हो रखा है अच्छा नोट्स में यहाँ पे गलती से लिख दिया पॉलीफेजिया गलत बात पॉलीफेजिया डायबिटीज का सिम्टम्स है गलती से लिखा है उसको काट देना पॉलीफेजिया को वह डायबिटीज मेलाइटिस का सिम्टम्स है ठीक है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डायबेसिस ज्यादा ज्यादा यूरिन जाएगा ज्यादा ज्यादा पानी पिएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा पर्सन का बीपी गिर जाएगा और ज्यादा समय तक ऐसा रहा मर भी जाएगा वो ठीक है बीपी बहुत समय तक कम रहा तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक वर्ग ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा मर जाएगा किसी दिन तल्ली हो जाएगा ऐसे ठीक है तो ये कहानी मैंने किसका बताया एंटी डायबिटिक हॉर्मोन के कमी का डिजीज का क्या नाम है डायबिटीज इंसिपिडस इसको डिजीज भी कहते हैं किसके कमी के वजह से हुआ है एडीएच के कमी के वजह से हुआ है खुद पर्सन अपने पैर पे कुलारी मारा है हालांकि पैर पे कुलारी नहीं मारा है हाइपोथैलेमस में कुलारी मारा है ठीक है हाइपोथैलेमस और पुटोट्री में कुलारी मारा है दारू पीने से पैर में कुलारी नहीं लगेगा कुलारी कहाँ लगेगा एडीएस का सिक्रेशन रुक जाएंगे ठीक तो है तो कुलारी कहाँ लगा है पिटूटरी ग्लैंड में ठीक है तो ये क्या हो गया एडीएस की डेफिशियंसी बोले भाई समझ में आया ये बातें अभिषेक यस सर अतीक यस सर रीवा। यस सर ज्योति यस सर चलिए देखो इसका बीपी लो हो गया है क्या बात है ज्योति का बीपी लो हो गया एकदम आवाज डल सा है। क्या बात है एक गला खराब है।, है हमको लगा पढ़ने हाँ। पढ़ने के के बाद बाद एक्साइट हो गए इतना कि ऐसे ऐसे होता है एक बार करके देखें क्या चलिए अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना तो लीजिए जल्दी से ले लीजिए जल्दी से, से। यहाँ से वैसे नोट्स में सारी बातें अभी ग्रुप में जस्ट भेज दूंगा ये भी ले लीजिए अब समझिएगा अब बोलोगे सर अब समझ में आ गया एडीएस को एडीएस क्यों बोलते हैं ये तो समझ में आ गया ये बात मैं आप में नहीं पढ़ाऊंगा ये बात मैं स्क्रेटरी में नहीं पढ़ाऊंगा एडीएस को एडीएस क्यों कहते हैं मेरा दिमाग खराब मत कर देना वहां पे मैं डायरेक्ट वहां पे एडीएस का एक्शन पढ़ाऊंगा आगे बढ़ जाऊंगा नहीं आता तो तुम समझो यहां इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं वहां पर दोबारा पढ़ाएंगे टाइम बर्बाद होगा ना मेरा मैं बढ़िया से पढ़ा दिया हूँ यहाँ पे मैं मेरी ग्लैंड भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा अच्छे से रिप्रोडक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ

कि बीपी बहुत ज्यादा गिर गया तो उस समय क्या होगा बॉडी का नेचुरल डिफेंस है बॉडी अपने ही बचाती है। कैसे? बीपी को बढ़ाया जाए। तो नॉर्मल तो बीपी था ठीक है अब क्या हो गया है ब्लड हो गया है 4.5 लीटर तो बीपी घट जाएगा तो एक काम करो बीपी को बढ़ाने के लिए क्या करो इस पाइप को दबा दो क्या करो इस पाइप को दबा दो डायमीटर क्या करो घटा दो अब बताओ इसकी डायमीटर अगर घटा देंगे तो मुझे बताओ बीपी जो घटा था क्या वो बीपी बढ़ के नॉर्मल नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है तब तो ऐसे ब्लड ब्लड को था, को हमेशा वेसल्स दबाते रहेंगे लेकिन इमीडिएट सॉल्यूशन तो है अगर मान लो इंस्टेंटली बीपी को बढ़ाना है कितना घट गया है तो क्या करो इस पाइप को दबा दो उस पाइप को दबाने का भी काम करता है एडीएच एडीएस के कुछ मोलिक्यूल तो क्या करेंगे ब्लड वेसल्स को इंस्टेंटली दबा देंगे इस इफेक्ट को बोलते हैं वेसो मतलब ब्लड वेसल्स वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट वेसर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट अब यहाँ पे देखो ना यहाँ पे वर्ड लगा वेसो मतलब ब्लड वेसल्स प्रेसिन मतलब प्रेस करना मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना तो उससे क्या होगा बीपी इमीडिएटली बढ़ जाएगा लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट सॉल्यूशन तो ये है थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक टाइम लगेगा तब तक बीपी को बढ़ा के कौन रखेगा जैसे ही वाटर वगैरह होने लगेगा तब तक इफेक्ट खत्म हो, हो जाएगा तब तक ब्लड का वॉल्यूम भी नॉर्मल हो चुका है बीपी भी, भी नॉर्मल हो चुका है मतलब एडीएच अपना इफेक्ट इंस्टेंटली दिखाता है बाय दिस रोल और एडीएच अपना लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है परमानेंट इफेक्ट दिखाता है बाय दिस रोल कितने लोग समझ गए एडएच का दोनों फंक्शन हाथ करा कीजिए अभिषेक यस सर ज्योति सर अभी लास्ट में क्या बोले थे मेरे तरफ नेटवर्क है लास्ट में बोले थे कि एडएच अपना परमानेंट रोल दिखाता है ऐसे इस कदर जो मैंने बताया परमानेंट रोल और अपना टेंपरेरी इफेक्ट दिखाता है इसके थ्रू ब्लड वेसल्स को दबा के ये बोले थे और बोलो Oh, yeah. oh, yeah. रिभा हाँ रिभा no, तो यहाँ पे जाके आपका पोस्टीरियर का का एडीएस खत्म हुआ इसी का नाम ठीक है भाई मैंने आधा घंटा समय दिया एडीएस को मैं फिर कह रहा हूँ नहीं पढ़ाऊंगा एडीएस बस दो तीन बात बता के आगे निकल जाऊंगा उसका रोल इतना नहीं बताऊंगा बोलूंगा वहां पे मैं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं किस पे ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन छोटा सा हमोन है ठीक है इसका मैंने मेन रोल मेन रोल पहले ही बता दिया ठीक है चलो तो पहले मुझे सभी बच्चे बताएंगे ऑक्सीटोसिन मेल मरीली में रिलीज होता है कि फीमेल में ऑक्सीटोसिन मेल में रिलीज होता है कि फीमेल में जल्दी बताइए फटाफट मेल में या फीमेल में क्या ख्याल है आपका ऑक्सीटोसिन मेल में या फीमेल में फटाफट बोलिए नहीं पता है अरे भाई मेल फीमेल दोनों में यार मेल फीमेल दोनों में होगा ना बहुत चीज है ग्लैंड से आ रहा है ये तो दोनों में आएगा दिक्कत क्या है दोनों में ही आएगा ना पोस्टीरियर से हो रहा है दोनों में आएगा तब लोग सर ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है तो समझना एनसीआरटी ने बड़ा चालाकी से लिखा ऑक्सीटोसिन के बारे में एनसीआरटी ने लिखा ऑक्सीटोसिन इस स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन कराती है क्या कराती है कॉन्ट्रेक्शन इन स्मूथ मसल अब बताओ इस स्मूथ मसल तो मेल में भी होता है फीमेल में में भी होता होता है है नो हमारे ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल नहीं होता है क्या होता है ना और भी कई जगह स्मूथ मसल है कि नहीं विसल में है ना हाँ वो अलग बात है कि ऑक्सीटोसिन का प्रोमिनेट रोल फीमेल में देखा जाता है और वो दो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है फीमेल का पहली बात तो ध्यान रखेंगे आप ऑक्सीटोसिन मेल फीमेल दोनों में रिलीज होता है और इसका वर्क क्या है स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन कराना अब उसी में से दो एग्जाम्पल ले रहा हूं स्मूथ मसल का एक तो क्या एंडो मतलब मायोमेट्रियम मायो उसमें भी स्मूथ मसल होता है ठीक है और एक मेमोरी ग्लैंड में मायो एपीथिलियम मायो एपिथिलियम एपिथिलियम के साथ कुछ मसल है ठीक है अब समझना इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है ड्यूरिंग पार्चूरेशन ड्यूरिंग पार्चूरेशन पार्चूरिशन होता है रेशन नहीं होता है, ठीक है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन और ये कॉन्ट्रेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से और अगर इसमें बायोमेटर में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या हो जाता है डिलीवरी ऑफ बेबी ठीक है किसे फ्लिपकार्ट अमेजन महिंतरा किसे डिलीवरी होगा भाई फीमेल बॉडी से डिलीवरी हो जाएगा और क्या है ठीक है यहाँ पे देखो माओम माओपीथिलियम इसमें अगर कॉन्ट्रक्शन होगा तो क्या हो जाएगा मिल्क इजेक्शन मिल्क इजेक्शन तो याद करो मैंने ऑक्सीटोसिन को पहले भी मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन लेट डाउन को अब नीचे गिरना मिल्क निकलना बाहर निकलना मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी बोला था मिल्क इजेक्शन भी बोला था और आज मैंने बता दिया कि ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है डिलीवरी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन हैप्पी बर्थडे ठीक है हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन ठीक है केक कटिंग हार्मोन ठीक है मोमबत्ती जलाइंग हार्मोन ठीक है पार्टी कराइंग हार्मोन जो भी है इसी की वजह से होता, जो होता है।, आ, है जो होता है ऑक्सीटोसिन ठीक है ऑक्सीटोसिन का एक सिंथेटिक फॉर्म है जो सिंथेटिकली बाजार में मिलता है पिटोसिन कई बार क्या होता है किसी किसी फैमिली में और किसी किसी फीमेल में एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑक्सीटोसिन कम रिलीज हो रहा होता है तो अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा होता है डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रहा होता है तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेटिक इंजेक्शन लगाते हैं ठीक है थेके?

उसके निपल्स से मैसेज चला रहता है रहता है बस थोड़ी देर बाछा पीता है अपने फिंगर से उसको टच करके ऐसे एस ऐसे कर रहा होता है तो ऐसे एस ऐसे बस कर रहा है बाकी मिल्क निकल रहा है ठीक है जितना निकलना निकल जाएगा ठीक है अब जितना बना वो निकल जाएगा फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद थोड़ी देर के बाद फिर कर लेंगे फिर निकलेगा मान लो किसी किसी केस में क्या होता है बाछा पैदा हुआ या बाछी पैदा हुई मतलब काल पैदा होने के बाद मर गया तो मर गया तो क्या किसान उसको छोड़ छोड़ देता देता है या देता है या ग्वाला उसको क्या उस गाय को उससे भी दूध लेता है कैसे जब जब उसको दूध लेना होता है तो पिटोसिन का इंजेक्शन लगाता है पिटोसिन का दूसरा फॉर्म आता है मार्केट में मिलता है मवेशी के लिए पिटोसिन का इंजेक्शन लगाता है इंजेक्शन लगाते ही बॉडी में पिटोसिन का ऑक्सीटोसिन का और क्या हो गया मायोमेट्री में कॉन्ट्रक्शन मिल्क तो बनी रहा है सही मायोमेट्री में सॉरी

ये कटाइंग हार्मोन मिल्क इंजेक्शन हार्मोन और ये बात ध्यान रहे इसका मेन वर्क क्या है स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन कराना और इसका दो फेमस रोल दिखता है कहाँ फीमेल में इसलिए बच्चे के मन में हो जाता है कि ऑक्सीटोसिन केवल फीमेल में निकलता होगा नहीं रे मेल फीमेल दोनों में निकलता है ठीक है दोनों में इसका रोल है लेकिन प्रोमिनेंट रोल किसमें है फीमेल में वो भी कब डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद मिल्क इंजेक्शन के दौरान ठीक है तो ये बातें हो गई मुबारक हो जी होजी ग्लैंड समाप्त हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड एक बड़ा ग्लैंड था टॉपिक वाइज मैंने बोला था टॉपिक वाइज ठीक है और ये ग्लैंड समाप्त हुआ अगले मीटिंग में मिलते हैं और हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की तब तक आप पूरा नोट्स पढ़ लीजिए अगर डाउट है तो अभी आप बोलिए अभिषेक नो सर अतीक नो सर ज्योति नो सर रीवा नो सर चलिए नोट जल्दी से पढ़ लीजिए मैं अभी फोटो भी भेज देता हूँ फिर मिलता है अगले मीटिंग में आप बस